सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आप अपने गूगल फोटो में जीमेल आईडी चेंज करना चाहते हो, यानी पहले से जो जीमेल आईडी ऐड है उसको आप चेंज करना चाहते हो, तो आप कैसे चेंज कर सकते हो और बैकअप वगैरह सेट कर सकते हो चेंज करके। तो चलिए जानते हैं फटाफट। तो उसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में अपने गूगल फोटो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरे में ये जीमेल है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर इसको हमें चेंज करना है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं चेंज करके दिखाता हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने भी जीमेल होगा यहाँ शो हो जाएगा। तो जिसको भी आप चाहे यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास जीमेल है, आपको ऐड करना है, यानी जीमेल यूजर आईडी या पासवर्ड है, तो यहाँ पर आपको ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है और जीमेल आईडी का जो भी पासवर्ड है उसका यूजर नेम है डालकर लॉगिन कर लेना है। अगर इसी में है तो यहाँ पर देख सकते हैं, मान के चले मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ, तो इसी इस पर क्लिक कर लेंगे तो देख सकते हैं सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बैकअप अप टू डिफरेंट अकाउंट, तो इस पर क्लिक करना है। और बैकअप वगैरह पहले वाला जीमेल में सेट है, देख सकते हैं। और बैकअप भी चेंज करना चाहते हो, उसी जीमेल को बैकअप में भी लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक करके नीचे में, और यहाँ पर भी आपका जो भी जीमेल है यहाँ शो हो जाएगा, जितने भी फ़ोन में जीमेल होगा। और यहाँ देख सकते हैं मैं इसको मैं सेट किया था फोटो गूगल फोटो में, तो बैकअप में भी इसको लगाना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बैकअप में भी लग जाएगा। तो इस तरीके से करके आप अपने जीमेल में देख सकते हैं, जीमेल गूगल फोटो से जीमेल चेंज कर सकते हो, बैकअप में भी और जीमेल गूगल फोटो में भी। तो ऐसे करके आप कर सकते हो।